सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र में कुछ दिन पहले यो द्वारा एक पत्रकार एवं शिक्षक के साथ सीओ सिटी सुशील सिंह द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार से नाराज पत्रकारों ने पुलिस विभाग की सद्बुद्धि हेतु शांति मार्च निकाला तथा अल्लामा फजले हक पर मोमबत्ती लगाई। खैराबाद पुलिस विभाग के सहयोग के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर रोष में आए खैराबाद के अवध प्रेस क्लब के पत्रकारों, पदाधिकारियों तथा समाज सेवियों ने आज नगर पालिका परिषद से अल्लामा फजले तक एक शांति मार्च निकाली तथा अल्लामा फजले स्मारक पर पहुंचकर पुलिस विभाग की सद्बुद्धि हेतु प्रभु से प्रार्थना की तथा कैंडल लगाई। इस अवसर पर जयमल सिंह, अंकित गुप्ता, ज्योति कुमार, धीरज शुक्ला, रविवार कुमार, बलराम पांडे, अरुण कुमार मिश्रा, पूर्णिमा मिश्रा, माला मिश्रा, अभिभूत मिश्रा मौके पर उपस्थित थे। जनरल एक्सप्रेस। क्या नाम आपका है? जी, मैं अवध प्रेस क्लब की महामंत्री पूर्णिमा मिश्रा हूँ। उस दिन मेरे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इस बात की घटना की जानकारी नहीं थी। जब मेरा बेटा घर आया, उसने मुझे बताया, उसने अपने गुल्लक से सारे रुपए निकाल के दिए कि मम्मी ये ले जाओ, पुलिस वालों को दे दो। पुलिस वालों ने पापा साहब बहुत गलत बिहेवियर किया है। जब बच्चे ने बताया तो मैं CHC भी गई थी, जो मजूरों को हल्की की चोट आई थी। मैंने CHC में जाकर डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर्स ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। मैं उनके परिवारजनों से भी मिली थी, मैंने उनको सबको देखा, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी। उनका पूरा ठीक से इलाज हुआ, सारी सब मैंने सब जाके अपने उसमें करवाया जा करके, मैंने सब कुछ देखा था। लेकिन उसके बाद भी जो है CEO साहब ने जो गलत व्यवहार किया मेरे पति के साथ, अपना परिचय देने के बावजूद उसमें जितने लोग शामिल हैं, CEO साहब और CEO सिटी और जितने लोग भी शामिल हैं, उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। क्या नाम भैया आपका है? अभिनंदन मिश्रा। उस दिन आपके पिताजी के साथ क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। फिर उन्होंने एक्स्ट्रा रोका कि इनको अस्पताल लेके जाए, लेकिन फिर CEO आ बदतमीजी करने लगे, फोन छीनने लगे, तो के साथ खींचतानी हुई। मैंने उन्हें रोका, पापा का फोन छीन लिया, गंदी गंदी गाली दी भाव वाली। फिर मैं गया अपने घर, मैंने अपने भाई को बुलाया, तब तक गाड़ी निकल चुकी थी, तो गाड़ी से हमारा सारा सामान निकाल दिया गया था। उसको लेके मैं घर आया, मैंने मम्मी को पैसे दिए अपने सारे, तो कल 3,000 थे, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं पापा को। फिर मम्मी गई उन मजदूरों को देखने जिनकी चोट लगी थी, तो उसके बाद का मुझे पता नहीं। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें।